नमस्ते विद्यार्थियों, डीएलएड के पाठ्यक्रम 509 उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन अधिगम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रुचि भार्गव, सहायक प्राध्यापक खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर। आज का हमारा प्रकरण है प्रारंभिक स्तर के पाठ्यचर्या में इतिहास। इतिहास विषय कक्षा 5वीं तक पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है। इस पाठ्यचर्या का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने आसपास के वातावरण के साथ जोड़ना तथा उसे जागरूक बनाना है। जब हम इतिहास विषय को देखते हैं तो कक्षा 1 से 5वीं तक जो इतिहास है पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है, और पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य होता है बच्चों को या विद्यार्थियों को अपने आसपास की जो संरचनाएँ हैं, आसपास का जो सामाजिक वातावरण है और पर्यावरण है उसके साथ जोड़ना। लेकिन जब हम कक्षा 6 से 8वीं तक इतिहास देखते हैं तो ये एक सामाजिक विज्ञान का भाग है और प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इतिहास को समझना। क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के भूतकाल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इतिहास माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8वीं तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इतिहास को लेकर चलता है। विद्यार्थी को अपने देश के इतिहास और विभिन्न देशों के इतिहास से रूबरू कराता है। सबसे पहले विद्यार्थियों हम समझेंगे कि इतिहास शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, कि इतिहास को माध्यमिक स्तर पर हम क्यों पढ़ाते हैं या क्यों उनके पाठ्यक्रम में स्थान देते हैं। सबसे पहले इतिहास विषय विद्यार्थी के आत्मबोध को बढ़ाता है। आत्मबोध का अर्थ है कि विद्यार्थी को अपने इतिहास, अपनी जड़ों का पता लगता है। उसे पता लगता है कि हमने जो आज इतनी तरक्की या उन्नति की है उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और उसे खुद के होने का एहसास का और महत्व का पता चलता है। विद्यार्थियों में समय, काल और समाज की धारणा को इतिहास विषय स्पष्ट करता है। विद्यार्थियों को समय का ज्ञान देता है, विद्यार्थियों को अपने समाज का ज्ञान देता है, और विद्यार्थियों को विभिन्न ऐतिहासिक घटनाक्रमों का इतिहास के माध्यम से पता चल सकता है। विद्यार्थियों को अपने समय के महत्वपूर्ण मूल्य और उपलब्धियों की जानकारी भी इतिहास विषय के द्वारा ही मिलती है। ऐतिहासिक काल में अपने देश, स्वयं के देश ने क्या क्या तरक्कियां की और उसकी क्या उपलब्धि थी, ये तभी पता लग सकता है जब विद्यार्थी इतिहास विषय का अध्ययन करता है। अतः इतिहास विषय विद्यार्थियों को अपने भूतकाल के मूल्य और अपने भूतकाल की उपलब्धियों की जानकारी कराता है। इतिहास विषय के द्वारा विद्यार्थियों में हम सहनशीलता को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सामाजिक मूल्यों को शामिल करते हैं, और सामाजिक मूल्यों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास करना, और व्यक्तित्व के विकास में सहनशीलता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है, और सहनशीलता हम इतिहास विषय को पढ़ा के बच्चे के व्यक्तित्व में शामिल कर सकते हैं। इतिहास विषय विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमताओं का विकास करता है। विद्यार्थी में तार्किक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, सही गलत का अर्थ इतिहास विषय को पढ़ा के हम विद्यार्थी में परिपूर्ण कर सकते हैं। विद्यार्थी के नैतिक मूल्यों का विकास भी इतिहास विषय के द्वारा किया जा सकता है। इतिहास विषय विद्यार्थी के भविष्यमुखी चिंतन का विकास करता है। जब विद्यार्थी अपने अतीत को पढ़ता है और अतीत को पढ़ के भविष्य में किस तरह से उसे अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना चाहिए या किस तरह से उसे एक सामाजिक नागरिक होने के नाते अपने मूल्यों को शुरू करना चाहिए, ये सभी चीज़ें इतिहास विषय को पढ़ा के आप प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास विषय विद्यार्थियों के मानसिक प्रशिक्षण पर जोर देता है, अर्थात आलोचनात्मक चिंतन करना, तथ्यों को सही गलत में कसना, ये सब चीज़ें विद्यार्थी इतिहास विषय को पढ़ के सीख सकता है। इतिहास विषय विद्यार्थियों में विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने में निपुणता प्रदान करता है, क्योंकि इतिहास पढ़ के विद्यार्थी समसामयिक जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको समझ सकता है और उन्हें किस तरह सुलझाना है, क्योंकि उसमें भविष्यमुखी चिंतन का विकास होता है। तो विवादास्पद मूल्यों को सुलझाने में निपुणता भी इतिहास विषय के माध्यम से विद्यार्थियों को मिल सकती है। इतिहास विषय समकालीन सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास विषय से राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। जब विद्यार्थी अपने देश के अतीत को, अपने देश की जड़ों को
सोचता है, समझता है और पढ़ता है तो उसमें एक राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होता है। उसे समझ आता है कि हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर या हमारे देश का जो इतिहास है वो कितना गौरवमयी है। इतिहास विषय के द्वारा हम विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का भी विकास कर सकते हैं। राष्ट्रीय भावना का विकास करना तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ही, लेकिन साथ में विश्व में जितने भी देश हैं उन देशों के साथ मिलके रहना, एक अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की भावना का विकास करना, ये भी एक महत्वपूर्ण मूल्य है जो कि इतिहास विषय के द्वारा हम विद्यार्थी में अंतर्निहित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। ये हमने सामान्य उद्देश्य पढ़े कि इतिहास विषय को हम क्यों पढ़ाते हैं, लेकिन अब हम प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्य देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्य हैं क्यों और कैसे का ज्ञान। क्योंकि इतिहास में हम बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं और उन घटनाओं को जब हम विद्यार्थी तक प्रेषित करते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, ये प्रश्न आते हैं कि कोई भी घटना क्यों घटी और कैसे घटी। तो उन्हीं समस्याओं को, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम इतिहास का अध्ययन कराते हैं कि कोई भी घटना के पीछे उस घटने का क्या कारण था और उसके क्या परिणाम निकले। प्राथमिक स्तर पर हम विद्यार्थियों को रोचक घटनाओं की जानकारी भी प्रदान करते हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी वही ग्रहण करता है जो उसे रोचकता से परिपूर्ण लगती है। और इतिहास को हम विद्यार्थियों के सामने इसी तरह प्रस्तुत करते हैं कि घटनाएं उसे रोचक लगें और उनको वो याद रख सके और समझ सके। प्राथमिक स्तर पर हम इतिहास वैश्विक इतिहास की सामान्य जानकारी देने के लिए भी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, क्योंकि देश के इतिहास के साथ विश्व का इतिहास भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए विश्व का इतिहास पढ़ाने के लिए हम इतिहास विषय का प्राथमिक स्तर पर अध्ययन कराते हैं। विद्यार्थियों में कहानी और दत्तों पर आधारित इतिहास में अंतर को समझाना। देखिए, कई इतिहास ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहानियों पर आधारित होते हैं, जिनके पीछे कोई सच्चाई नहीं होती, और जो इतिहास बच्चों की पाठ्य पुस्तक में होता है वो दत्तों पर या फिर सबूतों पर आधारित होता है। तो वो इतिहास जो कहानियों पर आधारित है, किदवंतियों पर आधारित है, और एक वो इतिहास जो कि सबूतों पर आधारित है, सामग्री, दत्त सामग्री पर आधारित है, उनके बीच में अंतर समझाना प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है। इतिहास शिक्षा को पढ़ा के हम इतिहास में बच्चे की रुचि को उत्पन्न कर सकते हैं। बच्चे की रुचि तभी इतिहास में उत्पन्न होगी जब उसे हम अलग अलग तरीके से और रोचक घटनाओं के साथ प्रस्तुत करेंगे। इतिहास विषय के द्वारा हम घटनाओं के सही अनुक्रम का ज्ञान दे सकते हैं, उसे हम समय की समझ करा सकते हैं कि शुरुआत में और फिर उसके बाद कालानुक्रमिक क्रम में घटनाओं का सही क्रम क्या था, ये क्रम बताने के लिए हम इतिहास का अध्ययन बच्चों को कराते हैं। विद्यार्थियों में कार्य कारण संबंध स्थापित इतिहास विषय के माध्यम से कराया जा सकता है, क्योंकि जो घटनाएं घटी उनके पीछे के क्या कारण थे वो भी विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी इतिहास के द्वारा अपने आदर्श नायकों का चयन कर सकता है, क्योंकि इतिहास में ऐसे कई नायक हैं, कई राजा हैं जो अपने आदर्शों के कारण आज भी इतिहास में जाने जाते हैं, उनको याद किया जाता है। तो उन्हीं नायकों का चयन करने के लिए प्राथमिक स्तर पर हम विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाते हैं, ताकि वो अपने भविष्य का उन नायकों की जीवन के आधार पर चयन कर सकें। इतिहास विषय के द्वारा हम भौगोलिक ज्ञान भी बच्चे को प्राप्त कराते हैं, क्योंकि भूगोल का ज्ञान होना भी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। भूगोल के ज्ञान के साथ ही उसे इतिहास का ज्ञान भी सम्मिलित रूप में कराया जाता है। विद्यार्थियों, अब हम उद्देश्य हमने समझ लिए कि प्राथमिक स्तर पर इतिहास के क्या उद्देश्य हैं। अब हम प्रारंभिक स्तर के पाठ्यचर्या में इतिहास विषय के प्रकरणों का विश्लेषण करेंगे, अर्थात जो हमारी पुस्तकें हैं उनमें प्रारंभिक स्तर पर जो पाठ्यचर्या है इतिहास की, उनके उद्देश्य क्या हैं, प्रकरणों सहित उनके उद्देश्यों को समझने की कोशिश करेंगे। इस विश्लेषण से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर इन प्रकरणों का समावेश क्यों किया गया है और इन प्रकरणों को बच्चों को पढ़ाने के पीछे कौन से उद्देश्य हैं या किन लक्ष्यों की प्राप्ति हम चाहते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा छठी की, जिसमें पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, उसका भाग प्रथम। विद्यार्थियों, इस पुस्तक का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों को अपने सुनहरे अतीत से रूबरू कराना
और प्राचीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बताना है। चूँकि हम इतिहास को तीन कालखंडों में विभक्त करते हैं, प्राचीन, माध्यमिक और आधुनिक, इसी तरह से जो हमारी पुस्तक है उसको भी हमने तीन भागों में विभक्त कर रखा है। सबसे पहले जो छठी कक्षा की पुस्तक है उसमें हम विद्यार्थियों को उनके प्राचीन जीवन के साथ रूबरू कराते हैं। अब हम विशिष्ट जो प्रकरण है इस पुस्तक में उसको शामिल करने के उद्देश्य जानेंगे कि इन प्रकरणों को पुस्तक में क्यों जगह दी गई है। सबसे पहला प्रकरण है क्या, कब, कहाँ और कैसे। जैसे कि आपको प्रकरण से ही पता चल रहा है कि इसमें प्राचीन काल की भौगोलिक स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं, अतीत को जानने के ऐतिहासिक स्रोत जिसमें शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र आदि शामिल हैं, और तिथियों को कैसे निर्धारित किया जाता है, तिथियों के निर्धारण का क्या क्रम है, इस प्रकरण में इन सभी उपविषयों को शामिल किया गया है। विद्यार्थियों, इन उपविषयों को शामिल करने के बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। वो उद्देश्य हैं कि विद्यार्थियों में काल क्रम की गणना का ज्ञान बच्चों को मिल सके कि हम काल को किस तरह से विभक्त करते हैं। इसी तरह से प्राचीन काल की जो भारत की प्राकृतिक सीमा थी, जो बहुत ही दूर और विशाल थी, उसे समझने का प्रयास हम प्राचीन प्राकृतिक सीमा पढ़ा के कराते हैं। इसके बाद इन प्रकरण का उद्देश्य है कि ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में विद्यार्थियों को पता चल सके कि ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं और उनका महत्व क्या है। इसके अलावा इस प्रकरण का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक सीमाओं की जानकारी। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्राकृतिक सीमाओं की जानकारी तो होनी चाहिए, साथ में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक सीमाओं की जानकारी भी विद्यार्थी को होनी चाहिए। अगला प्रकरण है छठी कक्षा में प्रारंभिक समाज। अब प्रारंभिक समाज में आप समझ ही गए होंगे कि प्रारंभिक समाज आदि मानव के युग से प्रारंभ होता है, तो वही हमने आदि मानव युग इस पुस्तक के इस प्रकरण में लिखा है कि प्रारंभिक मानव की जीवन यात्रा कैसी थी, उसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं, अर्थात इतिहास के स्रोत क्या हैं, वो कौन से ऐसे स्थल हैं जहाँ से आदि मानव के प्रमाण मिले हैं, इसके बाद आदि मानव ने जो औजार और आग की खोज की उसके बारे में पढ़ते हैं, साथ ही भोजन के संग्रहण से उत्पादन तक की कहानी और स्थायी जीवन यात्रा की यात्रा और इनसे जुड़े पुरा स्थलों का विश्लेषण इस प्रकरण के अंतर्गत किया जाता है। प्रकरण के शैक्षिक उद्देश्य हैं कि आदि मानव की जीवन यात्रा का विश्लेषण, क्योंकि आदि मानव हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो उसकी जीवन यात्रा का विश्लेषण, साथ ही प्राचीन भौगोलिक पुरा स्थलों का महत्व, आग की खोज का महत्व और प्राचीन सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को समझना इस प्रकरण के द्वारा विद्यार्थियों में हम अंतर्निहित कर सकते हैं। अगला प्रकरण है प्रारंभिक नगर। प्राचीन इतिहास में हम प्रारंभिक नगरों को एक महत्वपूर्ण श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये नगर आज भी हम इनके अवशेषों को देख सकते हैं, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता की कहानी, सभ्यता के प्रमुख नगर, उन नगरों की प्रमुख विशेषता, उनके नगरीय जीवन, उनके शिल्पकला, उनका भोजन और सभ्यता के अंत का कारण हम विश्लेषण करते हैं। अब इन प्रकरण को शामिल करने के क्या उद्देश्य हैं, ताकि हम विद्यार्थियों को प्रारंभिक नगरों की जानकारी दे सकें। उन प्रारंभिक नगरों की सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक गतिविधियों की जानकारी दे सकें, विद्यार्थी की कल्पना शक्ति का विकास कर सकें और जो महान सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको समझना और उनके संरक्षण को हम समझ सकें कि जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनका क्या महत्व है और उन्हें किस तरह से हम संरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रकरण है प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्यों में हम जनपद और महाजनपद, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक जीवन, उनकी कर प्रणाली और प्रमुख महाजनपद और उनकी सांस्कृतिक विरासत को हम बच्चों को समझाते हैं। इस प्रकरण का जो उद्देश्य है वो है कि प्राचीन गणतंत्रों का विद्यार्थियों को ज्ञान देना, भारत का राजनीतिक विकास किस तरह हुआ उसको समझाना, कर प्रणाली और आर्थिक व्यवस्था की समझ और भारत की प्राचीन भौगोलिक सीमाओं की समझ। विद्यार्थियों, अगला प्रकरण है नवीन मतों का सृजन। क्योंकि जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता है उसी तरह से इतिहास में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और जो परिवर्तन प्राचीन काल में हुए वो अलग अलग मतों का अस्तित्व में आना था। ये मत थे बौद्ध मत और जैन मत, तो इनके बारे में विद्यार्थियों को समझाना, उनकी शिक्षाएं बताना, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जीवन वृतांत समझाना और भारतीय दर्शन और साथ में उपनिषदों का वर्णन करना इस प्रकरण का प्रमुख उपविषय है। अब इन प्रकरणों का
विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व है, विद्यार्थी इन प्रकरणों को समझ के प्रमुख धार्मिक मतों की समझ कर सकता है, अर्थात विभिन्न जो मत हैं वो क्या कहते हैं, वो किस पर आधारित हैं और उनका मूल मंत्र क्या है, इनको पढ़ के विद्यार्थी समझ सकता है। विभिन्न धर्मों को समझ के विद्यार्थी में जो एक भावना विकसित होती है वो है धार्मिक सहिष्णुता और साथ में सर्वधर्म संभाव, कि हर धर्म को एक नज़र से देखना, ये विद्यार्थियों में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य संचित किया जाता है। साथ में विद्यार्थी के तार्किक चिंतन का विकास भी हम विभिन्न मतों को पढ़ा के कर सकते हैं। वो सही गलत का अंतर विभिन्न मतों के दर्शन को समझ के, उनकी शिक्षाओं को समझ के प्राप्त कर सकता है। अगला जो प्रकरण है वो है प्रथम साम्राज्य, जिसमें हम महान अशोक, जो हम अशोक महान जिसे हम कहते हैं, उनका जीवन वृतांत, साथ में जो प्रमुख साम्राज्य प्राचीन काल में आए जैसे मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सम्राट हर्षवर्धन की जानकारी, उनका शासन प्रबंध और सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम इस विषय का अध्ययन प्राथमिक स्तर पर क्यों कराते हैं, क्योंकि अहिंसा रूपी मार्ग को समझना, अहिंसा का विचार नवीन नहीं है, ये भारत की जड़ों में, भारत के इतिहास में हम देख सकते हैं। तो उस अहिंसा रूपी जो मार्ग है उसको समझने के लिए हम विद्यार्थियों को ये प्रकरण पढ़ाते हैं। साथ ही प्राचीन जो सम्राट हैं उनकी जानकारी, उनके शासन प्रबंध की जानकारी, उनके साम्राज्य में जो भारतीय कला और साहित्य जो पनपा, उसकी जानकारी हम इस प्रकरण के माध्यम से करा सकते हैं। तो विद्यार्थियों को कक्षा 6 तक जितनी भी प्रकरण थे उनका प्रमुख उद्देश्य था प्राचीन काल की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से विद्यार्थियों को जानकारी देना। अब हम कक्षा 7वीं की पुस्तक जिसका नाम है हमारे अतीत भाग 2, इसका विश्लेषण करेंगे। इस पुस्तक का प्रमुख उद्देश्य है मध्यकालीन जो राजवंश थे, मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन, उनके बारे में बताना। अब हम इसके जो विशिष्ट प्रकरण हैं उनको पुस्तक में शामिल करने के उद्देश्यों को जानेंगे। प्रकरण कहाँ, कब और कैसे, अब इसमें हम मध्यकालीन समाज की, मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं और मध्यकालीन इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनका अध्ययन करना, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह जो पनपे उनका अध्ययन करना और प्राचीन भारत में प्रयुक्त भाषाएं जो थी उनका इतिहास को पढ़ना इस प्रकरण का उद्देश्य है। इससे इस प्रकरण के द्वारा विद्यार्थियों को संपूर्ण भारत और विशेषतः दक्षिण भारत के इतिहास से हम रूबरू करा सकते हैं, ऐतिहासिक स्रोतों के प्रकार समझा सकते हैं, प्राचीन भारतीय भाषा और दक्षिण भारत की कला और साहित्य का ज्ञान हम करा सकते हैं। अगला जो प्रकरण है वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे शासक आए, बहुत सारे वंशज आए, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन हम विद्यार्थियों को कराते हैं, जिसमें सबसे पहले है दिल्ली के सुल्तान, प्रारंभिक तुर्क शासक, खिलजी शासक, तुगलक शासक, उनके प्रमुख शासक, भौगोलिक विस्तार और कला और साहित्य का वर्णन। विद्यार्थियों इसका उद्देश्य सामान्य कि वही मध्यकालीन जो इतिहास है उसकी जानकारी कराना, मध्यकाल की कला और इतिहास को समझना, उनके शासन प्रबंध को समझना और मध्यकाल के कालक्रम को समझना इस प्रकरण का प्रमुख उद्देश्य है। अगला जो प्रकरण है वो है मुगल काल। मुगल काल में हम मुगलों का इतिहास, उनके सैन्य अभियान, उनके सम्राट, उनकी प्रमुख घटनाएँ, मुगलों की भौगोलिक सीमाएं, उनका भूमि प्रबंधन और कला और साहित्य के बारे में बच्चों को समझाते हैं। प्रकरण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है मध्यकाल का ज्ञान देना, मध्यकाल की राजनीतिक स्थिति को समझाना, मध्यकालीन सांस्कृतिक धरोहरों को समझाना और मुगल वंश का भारतीय इतिहास में योगदान बताना, क्योंकि मुगलों का भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी जीवन में कहीं ना कहीं योगदान है, तो उनका योगदान विद्यार्थियों को समझाना इस प्रकरण का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। अगला जो प्रकरण है वो है मध्यकाल में आए परिवर्तन। चूंकि मध्यकाल एक बहुत ही परिवर्तनशीलता का काल है और इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए, कौन कौन से परिवर्तन हैं, धार्मिक मतों में परिवर्तन, विभिन्न जो स्रोत हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समझ, शिल्प कला का ज्ञान, विभिन्न जनजातियाँ और खानाबदोश समुदाय और साथ ही क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। विद्यार्थियों इस प्रकरण को पढ़ा के हम विद्यार्थियों में धर्म की समझ को विकसित कर सकते हैं, मध्यकाल में सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों को समझ सकते हैं, मध्यकालीन कला और इतिहास के ज्ञान को समझ सकते हैं और मध्यकालीन वंशों का इतिहास में योगदान को समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों जो ये 7वीं कक्षा की पुस्तक थी इसमें प्रमुख उद्देश्य मध्यकालीन समाज को,
मध्यकालीन राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधताओं को समझाना, साथ ही विभिन्न मतों को समझाना इस पुस्तक का उद्देश्य है। अब विद्यार्थियों, हम विश्लेषण करेंगे कक्षा आठवीं की पुस्तक जिसका नाम है हमारे अतीत, भाग तीन। इस पुस्तक का प्रमुख उद्देश्य है भारत के आधुनिक इतिहास से विद्यार्थियों को रूबरू कराना, साथ ही आधुनिक भारत का निर्माण किस तरह हुआ और भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसकी जानकारी विद्यार्थियों को देना। अब हम इसके कुछ विशिष्ट प्रकरणों का शामिल करने के उद्देश्यों को जानेंगे। प्रकरण कैसे, कब और कहाँ, और इस प्रकरण के अंतर्गत हम आधुनिक भारत की तिथियों को, आधुनिक भारत के इतिहासों को और उनकी विश्वसनीयता को समझने की कोशिश करेंगे। प्रकरण का उद्देश्य ऐतिहासिक स्रोतों का महत्व, आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रारंभ और ऐतिहासिक तथ्यों का महत्व इत्यादि समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रकरण है कंपनी शासन की स्थापना। कंपनी शासन किस तरह भारत में स्थापित हुआ और उसके क्या परिणाम निकले, क्या राजनीतिक परिस्थितियां थी, उनका तत्कालीन शासन प्रबंध क्या था और आधुनिक भारत के इतिहास का हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी उद्देश्य इस प्रकरण के रहेंगे। अगला प्रकरण है उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक नीतियां। क्योंकि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उन्होंने भारत को एक उपनिवेश बना के उसका शोषण किया और उसी शोषण के फलस्वरूप जो बातें सामने आई, जैसे उपनिवेशवाद हो गया, 1857 का विद्रोह, उसके कारण और परिणाम, ये सभी प्रकरण पढ़ाना इस पुस्तक का उद्देश्य है। साथ ही ब्रिटिश शासन के प्रभाव और राष्ट्रीय शिक्षा के विकास को समझ सकते हैं। अगला प्रकरण है आधुनिक भारत का निर्माण। उपनिवेश बनने के बाद भारत में किस तरह से आधुनिकता का विकास हुआ, कला साहित्य में क्या परिवर्तन हुए, राष्ट्रीय कौन कौन से आंदोलन हुए, ये सभी इस प्रकरण के उपविषय हैं। उद्देश्य है इसका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जानकारी विद्यार्थियों को हम करा सकें, उनके राष्ट्रीय आदर्शों की पहचान विद्यार्थी कर सकें और आज जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है उसके महत्व को हम पहचान सकें, ये इस प्रकरण का उद्देश्य है। सारांश में विद्यार्थियों, कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या में इतिहास की विषय वस्तु विद्यार्थियों के संपूर्ण मानसिक विचारों का विकास करते हुए उन्हें भारत के प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक इतिहास की गौरवशाली परंपराओं से रूबरू कराती है। धन्यवाद।